हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कच्चे मुर्गे की बिरयानी बनाना बता रही हूँ। चिकन कच्ची बिरयानी बनाने के लिए हमने 1 kg चिकन को अच्छे से धो के रख लिया है। पुदीना और हरे धनिया को साफ करके अच्छे से काट लिया है। हमने थोड़े गरम मसाले लिए हैं, 1 स्टार अनियन, दालचीनी, स्याह जीरा, छोटी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, लौंग है, 2 तेज पत्ते हैं, 4 हरी मिर्च को हमने 2 हिस्सों में काट लिया है, 3 मीडियम साइज की प्याज को ब्राउन तल लिया है, 1 पाव खट्टा दही लिया है, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, जायफल और जावित्री का 1 छोटा चम्मच पाउडर, नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार, केवड़ा एसेंस की 5 से 6 बूंदें। चिकन में हम सारे मसाले डालकर इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। सबसे पहले दही डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर, फ्राई ऑनियन, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च और तेज पत्ता। सारे खड़े गरम मसाले, धनिया और मिंट लीफ, नमक डाल देंगे, इसको अच्छे से हम हाथ से ही मिक्स करेंगे। हमने सारे मसालों को लगाकर रख दिया है चिकन में, इसे हम 1.5 से 2 घंटा के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं, ढककर रख देते हैं। चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया था, 2 घंटा हो चुके हैं। अब हम बिरयानी बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने चावल धो के रख लिया है, खड़े गरम मसाले लिए हैं, 1 तेज पत्ता, 1 स्टार अनियन, 1 छोटी इलायची और स्याह जीरा, 1 बड़ी इलायची। इसे हम उबालते हुए पानी में डालेंगे। पानी हमने ऑलरेडी चढ़ा रखा है, इसमें हम खड़े गरम मसाले डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और इसे उबलने देते हैं कम से कम 2 मिनट तक, ताकि अच्छे से मसाले पानी में एडजस्ट हो जाए। फिर हम इसमें चावल डाल के उबालेंगे। पानी अच्छे से उबलने लगा है, अब हम इसमें जो चावल धोकर रखे थे हमने चावल डाल देंगे। चावल हमने 1 किलो लिया है, जितना चिकन लिया है उतना ही बराबर हम चावल भी डालेंगे। 1 किलो चिकन लिया है तो 1 किलो चावल डालें। चावल को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा उबाल आने तक हम इसे पानी निकाल लेंगे। हाँ, चावल में उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद हमने इसे 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसे पसा लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं पूरा जाली में। इसे आप जाली पे ऐसे निकाल लें। चावल हमारे उबल चुके हैं, अब हम बिरयानी को दम लगाएंगे। उसके लिए हमने पुदीना और धनिया को बारीक काट लिया है, केसर लिया है, चुटकी भर केसर को हमने गरम गुनगुने दूध में भिगा के रखा है, चुटकी भर हमने ऑरेंज कलर लिया है, इसे जलेबी रंग भी बोलते हैं, और फ्राई ऑनियन लिया है, इसे फ्राई करके रखा है, और 1 नींबू लिया है, इसी में हम कलर को घोल कर डालेंगे। हमने केवड़ा एसेंस लिया है, इसकी हम 3 से 4 बूंद का इस्तेमाल करेंगे। नींबू को हम निचोड़ के कलर को घोल लेंगे। चिकन हमने जो मैरिनेट करके रखा है उसे डाल देंगे। दो बड़े चम्मच तेल लेंगे, इसे पकाने के लिए तेल और घी दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। घी डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर दे। अब हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने हाफ बॉईल करके रखा था। थोड़े चावल बचा लिए हैं, अभी हम इसमें पहले थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं,
मिंट लीव डाल दें, थोड़ी सी फ्राई ओनियन, फिर से हम चावल डालेंगे। कलर डाल देते हैं नींबू में हमने घोल के रखा था जो, केसर वाला दूध डाल देते हैं, पुदीना डाल दें, धनिया, फ्राई ओनियन, केवड़ा एसेंस 4-5 बूंद। इसमें हम थोड़ा सा घी ऊपर से डाल देते हैं। अब हम इसे पैक कर देंगे, एल्युमिनियम फॉइल लगाकर पूरा पैक कर देंगे, इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दें। और ढक्कन ढक देते हैं। इसे मीडियम आंच में हम 3 मिनट तक पकाएंगे, फिर तवा रखकर इसे हाफ आवर पकाएंगे। 3 मिनट ऐसे ही पकाने के बाद अब हम इसे तवा में रख देंगे। तवा में रखने के बाद हम सिम कर कम से कम इसे आधा घंटे तक हम पकाएंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब ये अच्छे से दम लग गए। अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं। चावल पूरे तरीके से पक चुके हैं, गैस हमने बंद कर दी है। अब हम बिरयानी को निकाल के प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे हम साइड से मिक्स करते हुए निकालेंगे। मिक्स हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। कच्चे मुर्गे की बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है। हम इसे चना दाल के साथ खाते हैं, आप इसे रायते के साथ भी खा सकते हैं। चना दाल के लिए हमारा चैनल को आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।